चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक दैट व्हाई डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल का सिंपल मतलब होता है आंसरेबल, जो आंसर दे। तो एक सरकार कब आंसर करेगी? जब जनता उससे सवाल करेगी। और जनता कब सवाल करेगी? जब जनता के पास इंफॉर्मेशन होगी सरकार से रिलेटेड। तो सिंपली एक सरकार को आप तभी अकाउंटेबल कहते हो जब वो अपनी इंफॉर्मेशन जनता के साथ शेयर करती है, जिससे ये जनता सवाल कर सके और सरकार जवाब दे सके। तो डेमोक्रेसी इसलिए अकाउंटेबल कहलाती है क्योंकि इसमें क्या होता है ना यार, हर सरकार को पूरे रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है और अपनी इंफॉर्मेशन जनता के साथ शेयर करनी पड़ती है, जिससे जनता सवाल कर सके और सरकार से जवाब पा सके। अब इसको पेपर में कैसे लिखना है कि हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं चलता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव का सिंपल मतलब होता है जो रिस्पॉन्ड करे, जो आपकी बात को समझे, आपकी डिमांड्स को समझे और रिस्पॉन्ड करे। तो सिंपली एक सरकार कब रिस्पॉन्सिव कहलाती है? जब वो आपकी डिमांड्स को सुनेगी और उनको समझेगी और फिर काम करेगी। तो सबसे पहली जनता की डिमांड तो यही होती है ना यार कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और दूसरी डिमांड ये होती है कि खुद की डिमांड्स को सुना जाए, जनता की डिमांड को सुना जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिमांड को सुना जा रहा है सरकार के द्वारा या नहीं? तो इसका सिंपल तरीका है, अगर सरकार उन सब चीजों को लेकर पब्लिकली डिबेट करती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी डिमांड्स को सुना गया या नहीं। तो एक सरकार को आप रिस्पॉन्सिव कब कहोगे? जब पहली चीज वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और दूसरी चीज आपकी डिमांड्स को सुना जाएगा। आपकी डिमांड्स को सुना जाएगा ये कैसे पता चलेगा? जब वहां पर पब्लिकली डिबेट्स होंगे। तो डेमोक्रेसी को हम रिस्पॉन्सिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर ये दोनों चीजें होती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होते हैं और ओपनली पब्लिक डिबेट्स भी किए जाते हैं मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। क्वेश्चन इज हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, वैध। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट क्यों होती हैं, एक्सेप्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि लोग खुद जाकर उनको चुनते हैं, लोग इलेक्शंस के थ्रू खुद वोट डालकर अपनी सरकारों को चुनते हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट होती हैं। और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लोगों की खुद की सरकार होती हैं, लोगों की पसंद की सरकार होती है, और जिसको हम पसंद करते हैं उसको तो एक्सेप्ट करेंगे ही ना, और इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट। तो व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट, हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट, बिकॉज दे आर पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस। थैंक यू।